हेलो गाइस, दिस इज जीबी टैक यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम आपको फिल्मोरा के जरिए थंडर ओवरले इफेक्ट बनाना सिखाएंगे, यानी जो बादल गरजने की आवाज है और उसके साथ जो लाइटनिंग आती है, आज हम आपको ये बनाना सिखाएंगे। तो बगैर टाइम जाए कि हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से मैं अपना फिल्मोरा ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ से आपने अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है जिस पे आपने थंडर ओवरले इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो पे थंडर ओवरले इफेक्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ से मैं एक बार आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने कोई ऐसी वीडियो सेलेक्ट करनी है जो कि नाइट में हो। आप देख सकते हैं यहाँ नाइट का व्यू नजर आना चाहिए और यहाँ से मैंने इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने थंडर ओवरले वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी एक थंडर वीडियो इफेक्ट है, उसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ से आपने इसको अपने टाइमलाइन 2 पे इसको ड्रॉप करना है। यहाँ पे मैंने इसको टाइमलाइन 2 पे ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करता हूँ, हम अपनी थंडर ओवरले वीडियो के बराबर में करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और एक बार मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ और यहाँ पर आप थंडर ओवरले इफेक्ट नोट करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा थंडर इफेक्ट है वो वर्क कर रहा है, लेकिन जो हमारी ये मेन वीडियो है ये हमें नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए आपने यहाँ अपनी सेकंड वीडियो, आप देख सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आप आ जाइए कंपोस्टिंग में और उसके बाद जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग मोड, वो अभी नॉर्मल हालात में है। आपने इसको करना है स्क्रीन पे करना है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन करना है। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और अगेन मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ और यहाँ से आप थंडर इफेक्ट नोट कीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे थंडर इफेक्ट है वो यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप अपनी जो मेन वीडियो है इसको आप लॉक कीजिए, यहाँ से इसको लॉक कीजिए और उसके बाद अपने सेकंड वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो बेहतर लगे। तो मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ और यहाँ से आपने अगेन इसको प्ले करना है। उससे पहले आपने यहाँ से ये लॉक हटाना है और अगेन मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ और यहाँ से आप थंडर ओवरले इफेक्ट नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार ये इफेक्ट काफी बेहतर लग रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह करके आप भी फिल्मोरा के जरिए अपनी वीडियोस में थंडर ओवरले इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।